डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रोटोभौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बल और गति पर आधारित अंकित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप लोग छोटी छोटी बातों जो हम बताएं उसको सीखते चलिए, आपको भौतिक विज्ञान बहुत आसान हो जाएगा। पहला प्रश्न देखें, किसी पिंड का द्रव्यमान 50 केजी है, यदि वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है तो उस पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, कोई भी अंकित प्रश्न दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस प्रश्न को रीड करेंगे अच्छे से। क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, प्रश्न को समझेंगे। और दूसरी बात आप उसमें ये देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या गिवन है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है। पहला स्टेप बच्चों, दिए गए प्रश्न को भलीभांति पढ़ेंगे, पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे प्रश्न में क्या दिया गया है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या है, क्या दिया गया है। तीसरी बात उसमें क्या याद करना है, हम उसको नोट करेंगे। अब यहां पर देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान 50 केजी है, किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम है, यदि वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, वह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है तो उस पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, बल, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, क्या ज्ञात करना है, बल। दिया क्या गया है, द्रव्यमान और त्वरण, आप देखिए दिया है m बराबर 50 केजी और a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a का मान क्या दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, बिल्कुल समझ में आया। अब यहां पर हमको ज्ञात क्या करना है, यप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यप ज्ञात करना है। अब यहां हम देखेंगे गति के दूसरे समीकरण, सॉरी गति का समीकरण दूसरा हो जाए, गति के दूसरे नियम के अनुसार, आप जानते हैं गति का तीन नियम बताया गया है, जो किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है, किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। तो दूसरा आप जानते हैं F बराबर m इंटू a है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जो सूत्र है उसमें उसका मान पुट कर देंगे,
एफ बराबर एम इंटू ए। एम का मान कितना है? एम का मान 50 केजी। ए का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 5 एकम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। एक यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि आप 500 के बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान में पूरा उत्तर तभी माना जाता है जब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात आंकिक मान के बाद वहां पर आप उसका मात्रक भी लिखिए। केजी, केजी तो होगा नहीं, केजी द्रव्यमान का होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो एफ बराबर 500 न्यूटन हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक ट्रक विरामावस्था से विरामावस्था मतलब उसका प्रारंभिक वेग जीरो हो, अर्थात यहाँ यू बराबर जीरो हो जाएगा। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़क कर नियत त्वरण से नीचे की ओर लुढ़कता है और नियत त्वरण से प्रारंभ करता है। नियत त्वरण से प्रारंभ करता है, नियत त्वरण से लुढ़कना प्रारंभ करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका त्वरण क्या होगा? क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। यदि द्रव्यमान 10 क्विंटल हो तो बल भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बल भी ज्ञात करना है। कब? जब उसका द्रव्यमान 10 क्विंटल हो। अब आपको हमें छोटी बात बताया है, बिल्कुल इसको आप सदैव न्यूमेरिकल लगाते समय याद रखें। पहली बात प्रश्न को पढ़ें, दूसरी बात क्या दिया गया है, तीसरी बात क्या ज्ञात करना है। चलिए एक बार प्रश्न को हम पढ़ते हैं। एक ट्रक विरामावस्था मतलब U बराबर जीरो से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़क कर मतलब फिसल कर नियत त्वरण से प्रारंभ करता है। यह 20 सेकेंड में क्या मिला हमको? समय मिल गया। 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका त्वरण क्या होगा?
एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसका क्या पूछा, इसका त्वरण क्या होगा। यदि द्रव्यमान 10 क्विंटल हो तो बल भी ज्ञात कीजिए, बल भी ज्ञात कीजिए। अब आप प्रश्न में देखें, दिया क्या गया है, यहां पर U बराबर 0 है और T बराबर 2 सेकेंड, S बराबर 400 मीटर, S बराबर 400 मीटर। इसके बाद दिया है M बराबर 10 क्विंटल। प्रश्न पूछा है, एक तो A ज्ञात करना है और दूसरा M ज्ञात करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रश्न को लगाने के लिए हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण B बराबर U प्लस AT, दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा समीकरण B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। आप ये देखिए, ये 3 समीकरण हमको प्राप्त है। अब आप देखिए, पहला समीकरण हम लगाएंगे, यहाँ U 0 है, A हमको पता नहीं है, यहाँ 2 अननोन राशि हो जाएगा, ये तो B भी नहीं पता है और दूसरा T A भी नहीं पता है, B और A दोनों नहीं पता है, इसलिए हम प्रथम समीकरण को नहीं लगाएंगे। द्वितीय समीकरण में यस पता है, यू टी 0 हो जाएगा, ए हमको पता चल जाएगा, बिल्कुल दूसरा समीकरण हम लगाएंगे। स्पष्ट है ना, समझ में आया, यस पता है, यू टी 0 हो जाएगा क्योंकि यू का मान 0 है, ए ज्ञात करना है और टी का मान पता है, तीसरे की बात ही नहीं करेंगे। हालांकि देख लेते हैं, अंतिम देख है कि U तो 0 हो जाएगा, A और S, यहाँ B और S, B और A पहले समीकरण की तरह अननोन राशि है, तो दूसरे समीकरण से देखते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस समीकरण में मान रखते हैं, S का मान 400, U का मान 0, A का मान ज्ञात करना है, T का मान 20 सेकेंड, 0 हो जाएगा और 20 दिशा में 400 होता है, 400 बराबर 1/2 400 A, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 × 2 बराबर 1/400, ए बराबर 400 × 2/400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरे समीकरण के लिए F बराबर M इंटू A लगा देंगे, F बराबर M इंटू A, M का मान 10 क्विंटल है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, इसलिए 100 से गुणा कर दिए, गुणे A का मान 2, 10 दूनी 20, 20 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 2000 न्यूटन। F का मान कितना आ गया, 2000 न्यूटन। दोनों हमको पता हो गए, A का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया और इसका मान 2000 न्यूटन हो गया। एक बार फिर से समझ लें, यहां पर U बराबर 0 दिया है, T बराबर 2 सेकंड दिया है, S बराबर 400 मीटर दिया है और M बराबर 10 क्विंटल दिया है, हमको A ज्ञात करना है और F ज्ञात करना है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमने लगा दिया, S का मान 400, U का मान 0, T का मान 3,
प्लस एक बटे दो ए का ज्ञात करना है, टी के स्थान पे बीस का स्क्वायर लिख दिए। जीरो एक ऐसी संख्या है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करने पर उसका मान सदैव जीरो ही आता है। यहाँ 400 बराबर जीरो गुणे टी हो गया और प्लस हाफ ए गुणे 400, जीरो टी से गुणा करेंगे जीरो ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। अब यहाँ पर दो पक्षांतर कर दिए, यहाँ 400 गुणे दो ए गुणे 400 आ गया, ए बराबर 400 गुणे दो। आप जानते हैं जब गुणा में कोई राशि जाती है वो नीचे आती है तो भाग हो जाता है, 400 से 400 कैंसिल हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। एफ बराबर एम ए लगा दिए, 10 गुणे एक क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 100 से गुणा कर दिए और एम का मान 2 है, 2000 न्यूटन आ गया। आप इस वीडियो में पूरी सक्रियता के साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।